गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, पहले तो कल का व्लॉग इसलिए नहीं आ पाया बिकॉज कुछ रीजंस थे, इस वजह से कल का व्लॉग आ नहीं पाया। बाकी आज व्लॉग कंटिन्यू रहेंगे हर बार की तरह। एंड अभी तो थोड़ी देर पहले सो के उठाऊँ मैं। एंड अभी तो नाश्ता कर रहा हूँ मस्त बालकनी बैठ के, बिकॉज थोड़ी धूप आ रही है एंड अंदर तो हमेशा की तरह ठंडी लग रही है। एंड जस्ट अभी सो के उठाऊँ एंड देखो आँखें भी सूझ रही हैं। अभी जस्ट उठाऊँ मैं सो के, तो फिलहाल तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। चलो फिलहाल नाश्ता तो कर लिया मैंने एंड अब मैं निकल रहा हूँ अपनी स्कूटी वॉश करवाने, बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है वो। एंड देखते हैं कैसी कंडीशन में हो रही है। वैसे उसको धुलवानी तो थी, मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि इसको धुलवानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मैंने लास्ट बार पता नहीं कब धुलवाई थी, मुझे कुछ याद नहीं है। सो चलते हैं एंड उसको वॉश करवा लेते हैं। गंदी तो हो रही है, देखो उसके टायर वायर सब जैसे तो साफ होती रहती है, बाकी अंदर से बहुत ज़्यादा कीचड़ उचड़ हो रहा है, तो उसको धुलवा लाते हैं। देर से गाड़ी पार्क करने में लगे हुए हैं और पूरा रास्ता जाम करके रखा हुआ है। फिलहाल अपन कार वॉशिंग तो आ गए शॉप पर एंड अभी आवेश को मेन उठा लिए तरफ से। आवेश यस ब्रो व्हाट्सअप, अभी बस बाकी की और भी गाड़ी वॉश हो रही है। मैंने तो अपनी गाड़ी इधर पार्क कर दी है, बस वाली आगे की दो गाड़ियाँ हो जाएँ वॉश, मैंने अपनी बारी वॉश करेगी। वॉश हो रही है देन उसके बाद होगी अपनी स्कूटी वॉश। मुझे तो लग रहा था ये वाली बाइक के बाद अपनी स्कूटी वॉश होना है, बट अभी वो कार वॉश हो रही है देन उसके बाद ही होगी। गाड़ी तो वॉश हो गई है एंड अभी हम पवन के घर जाना है, बिकॉज मैं उसको कंटिन्यू कॉल लगा रहा हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहा है वो, शायद से सो रहा है वो, तो उसको घर पे चल के जगाते सब, इससे घर ही जा रहा है। एंड पवन के घर पे आके हमारा शक सही निकला, वो सो रहा है। हमने उसकी दीदी से पूछा, उसकी दीदी ने बोला कि वो तो सो रहा है, सब उसकी नींद खराब करते हैं, उसको आज उठवाएंगे। भाई नींद खराब करेंगे आकर, चलो तो उठने वाला उठने वाला था। उधर पवन की मतलब पवन की बिल्ली घूम रही है यार, मुझे दे दो ना एक आध दो बिल्ली तुम्हारी, ले जाओ। यस ब्रो, मेरी लवर के लिए हो गई। कुछ गंदे काम से नहीं गिली हुई है, आप लोगों को दिखाता हूँ किससे गिली हुई है ना। देखिए इसके ऊपर कवर फट चुका है, उसको जो अंदर का फॉर्म है ना उसे पानी घुस गया और मैं उसको बैठा तो भाई मेरी लोअर गिली। फिलहाल तो हम लोग चाय कॉफी पीने में आए हुए हैं, बाहर आओ तो इन लोगों को चाय कॉफी पिलवानी ही पड़ती है, वरना लोग मानते ही खाए। सो आवेश तो अपनी कॉफ़ी पी रहा है एंड पवन हम दोनों तो चाय पियेंगे, चाय लवर। सो हम दोनों तो चाय पियेंगे एंड आवेश तो अपनी कॉफ़ी पी रहा है, तो ये पीते हैं घर निकलते भी टाइम भी हो रहा है एंड मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो घर चलते हैं चाय पी के एंड घर जाके खाना खाऊंगा पहले तो मैं, फिर 4 बजे तक जल्दी जिम निकलेंगे। कल भी लेट होगा जिम जाने के लिए, तो आज तो करेक्ट बिल्कुल 4 बजे जिम निकलेंगे, तो चाय पीते हैं देन डायरेक्ट घर निकलते हैं। तो अभी तो पवन के घर पे आ चुके हैं हम लोग, चाय पी के तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे एंड मैं पवन के घर पे हूँ। सो बस रेडी होकर आ रहा है, मैं यहाँ से डायरेक्ट जिम निकलते, इसको मैं तैयार होकर जाए देन यहाँ से डायरेक्ट मैं अपने घर जाऊंगा, मैं रेडी आऊंगा देन वहाँ से डायरेक्ट जिम निकलेंगे। एंड अभी टाइम हो रहा है 4, शाम के 4 बज रहे हैं अभी। सो अभी यहाँ से डायरेक्ट घर निकलते हैं एंड मैं रेडी आऊंगा, निकलेंगे डायरेक्ट जिम। सो पहले अभी आलू के पराठे खा लेते हैं, बिकॉज अभी पवन मान नहीं रहा बिल्कुल भी,
ओके रेड, तू आज आलू के पराठे खाएगा मेरे यहाँ, नहीं तो मैं तुझे घर जाने नहीं दूंगा। उसका चाबी अभी भी सब रख ली है, अभी घर में लेके आ गया मुझे। अभी इतना फोर्स कर रहा है तो खा लेते हैं यार। कि पवन और क्या, चल इतना फोर्स कर रहा है तो खा लेते हैं यार, मना नहीं करेंगे यार। आलू आलू के पराठे को कौन मना करता है। खा लेते हैं देन निकलते हैं जिम। पराठे तो खा लिए एंड अब निकलते हैं जिम डायरेक्ट। एंड पवन ने पराठे तो खिला दिए, अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है खाने के बाद। पर कोई ना, रेडी हो तो जिम में चलते हैं, अपने आप जिम में जाके पूरी नींद उड़ जाएगी। चलो घर तो पहुंच चुके हैं एंड जल्दी से जिम बैग पैक करता हूँ। एंड ये तो सही है बिकॉज अभी ठंड है, आज तो ठंड नहीं है इतनी, बाकी वहाँ से जिम सारे टाइम लगेगी ठंड। तो जिम बैग पैक करते हैं एंड निकलते हैं। रेडी तो मैं हो गया हूँ, अब निकलते हैं। एंड मैं रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, पवन बेचारा बहुत देर के नीचे खड़ा हुआ है। एंड हर बार सोचते हैं 4 बजे जाएंगे पर 1-2 घंटे लेट हो ही जाते हैं। एंड आज भी 5 बजे से 1 घंटे लेट हो ही गए, पवन बहुत देर के नीचे खड़ा हुआ था। जिम में तो पहुँच चुके हैं एंड पवन तो अभी केले खा रहा है। सो आज ट्रेन करने वाले हम लोग चेस्ट ट्रेन करेंगे ना, चेस्ट। हाँ, एक दिन का गैप था तो आज चेस्ट ट्रेन करेंगे। सो पहले तो केले खा लेते एनर्जी के लिए, फिर करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है, और तो मुझे पराठे खिला दिए थे, लगा रहा भाई लगा रहा। वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है एंड अब पवन और मैं घर जा रहे हैं। एंड अभी तो मैं नीचे खड़ों की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इधर बैंक के अंदर, तो अच्छी लाइट तो यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिकॉज ऊपर तो म्यूजिक रहता है यार, सो मेरे बिल्कुल भी वॉइस रिकॉर्ड हो ही नहीं पाती है ढंग से। अगर हेडफोन ला के सुनते तो ही आती है, जैसे कि रोज़ मम्मा ब्लॉग देखती हैं, जब हेडफोन ला के सुनते जब भी आवाज़ आती है, अगर ऐसे नॉर्मली सुनती हैं बिना हेडफोन के तो आवाज़ ही नहीं आती है। सो बहुत ऊपर म्यूजिक है तो अभी नीचे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है एंड अब पवन और मैं तो निकल रहे हैं घर। जिम से तो घर आ गया हूँ मैं एंड अभी बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, सो पहले तो कुछ खा लेता हूँ मैं। ओके, जिम से आने के बाद मैंने कुछ खाया घर पर, देन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गया था, पवन अभी से इन लोगों के साथ। सो मैंने शूटिंग से लिंग करा बिकॉज मेरे फ़ोन से ढंग से शूट हो नहीं पाता है। सो फिलहाल तो मैं घर आ चुका हूँ एंड खाना भी आ गया अपना। सो खाना खाता हूँ एंड देन एडिटिंग करूँगा आराम से बैठ कर। एंड अभी टाइम हो रहा है 10, रात के 10 बज रहे, आराम से 11-12 बजे तक एडिटिंग हो जाएगी खाना खाने के बाद। सो आराम से एडिटिंग करूँगा एंड इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चले आ जल्दी।